इस बार तीन बार दिवाली मनानी है। अरे भाई ताली बजाते हो पूछते नहीं हो, तीन दिवाली कैसे मनानी है पूछा तो नहीं आपने। चलो मैं बता दो तो पहली दीपावली तो दीपावली के दिन मनाओगे ना, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को कमल की सरकार बनाकर मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर मनानी। माताओं भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे, मगर उनके माथे पर जू नहीं रहती। 70 साल से राम मंदिर को ये लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे, मगर आपने दूसरी बार मोदी जी को 25 की 25 सीटें दे दी। राजस्थान की जनता ने मोदी जी की झोली कमल से भर दी। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने चुपचाप इसका भूमि पूजन कर दिया, और 22 जनवरी 2024 को वहां प्रभु श्री राम 550 साल के बाद भव्य मंदिर में विराजे। मुझे याद है वीर भूमि वालों, मुझे ढंग से याद है, 2014 से 19 मैं पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा, अरे यार क्यों हंसते हो, मैं राहुल बाबा की बात कर रहा हूं, इसमें हंसना क्या। अरे वो राहुल बाबा है ना, वो राहुल बाबा रोज मुझे पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब राहुल मकराना वालों, मैं आज बता देता हूं, 22 जनवरी को 2024 को वहां रामलल्ला बिराजेंगे। राहुल बाबा तो नहीं जाएंगे, राहुल बाबा नहीं जाएंगे, मगर मकरामणा वालों भाइयों तो जाए, मेरी मातृशक्ति पूरी की पूरी अयोध्या जाए। और सालों से जिसकी राह देखते थे वो काम नरेंद्र मोदी जी ने देखते देखते पूरा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।